होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी का उमरिया जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। वहीं यहाँ पर एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोग बताते हैं कि आजादी के बाद से ना तो बिजली है ना ही सड़क, जबकि ये गांव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र मानपुर के ग्राम पंचायत कठाई का है। आदिवासी और ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने आज तक अपने गांव में बिजली नहीं देखी, सड़क कभी बनी नहीं और पानी तो है ही नहीं, जीवन बड़ा दुखदाई है। यहां बिजली के पोल तो लगे हुए हैं लेकिन बिजली आज तक नहीं आ पाई। जानकारी के मुताबिक इस गाँव में बैगा जाति के लोग निवास करते हैं। उमरिया जिले और उसके आसपास ज्यादा मात्रा में जंगल होने के कारण कई विकास की योजनाएं गर्त में चली जाती हैं, जिस कारण विकास नहीं हो पाता। हमारी समस्या है, यहाँ न लाइट है न यहाँ रोड है, न हमारे बच्चे लोग पढ़ सकें, यहाँ कुछ की व्यवस्था नहीं है, न हम यहाँ आज तक नहीं देखे। और मंत्री लोग आते कहीं हम ही वोट दा, हम बिजली देंगे तुमको, बोर देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ जनता लोग कस के ऊपर होए, हम ही तो वोट में लूच खबा रहे हैं, धोई गए ही खांधा मिले ही हाथ मिले ही और बाकी चल दई ही। और 5 साल के बाद को पूछे नहीं, फिर के ना देखी मारा चाहिए सारा चाहिए। हाँ सो हम वोट नहीं देंगे, जल भर यहाँ लाइट रोड बोर नहीं आवे तो हम न देंगे लाइट। हमारे बच्चे लोग आगे कस के अंधियार में कस के पढ़े लिखे, यह हम ही शासन की मांग है। इतना चीज हम ही अबे दें तब फिर हम वोट देंगे, नहीं भैया हम अंधेरे में पड़े। हम बहुत समस्या है हमरे न, यहाँ रोड है न तो यहाँ कुआ है, यही से बने हैं नहीं आवे, डॉक्टर नहीं भेजे, बच्चा होते चलो वहाँ ले चलो, वह खत्म हो जाते, आधा रास्ता में खत्म हो जाती। यह मेरी समस्या है, हम ही न तो लाइट आवे कुछ आवे, अंधेरे में पड़े रहा, तुम सांप आवे बीसी छावे कुछ नहीं दे हमेशा। अब वोट नीतन हम ही कही चला 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 दो दो तुम ही एक एक दो दो हजार और कुछ नहीं देता है, अपन वोट लेके खपक ली और फिर कुछ नहीं। हम पूछा नहीं कि तुम मारा था का जिया था का खा था, कुछ नहीं कुछ नहीं करे साहब। यहाँ है हमें मार गिनती और कहीं कहीं मिले दादा हमें कुछ नहीं मिले, अभी महीना पैसों नहीं देता है, अभी मोदी कुछ नहीं मिले, वैसे पड़े हनी। बहुत समस्या है हमरे यहाँ कठई गाँव में और दैनिशा कता है, और सरपंच सकेटी तो ऐसे ही बिल्कुल कोई ध्यान नहीं करता है, कोई नहीं करता है साहब की ध्यान करत हो भला। समाज से पेंशन मिलती है क्या? कुछ नहीं मिले हम, न पेंशन मिले न महीना मिले न कुछ मिले साहब, हम मिलते नहीं। खाओ तो ठीक है, मर जाओ घर भीतर तो अच्छा, कोई नहीं पूछता है। 10 किलोमीटर दूर से आया हूँ, एक हमारे गांव जंगल में ग्राम पंचायत कठई है और हमारा समस्या है बिजली। हमारे गांव में बिजली नहीं लगी है कब से? बहुत दिन से, हमारे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे गांव में बिजली नहीं है। और हमारे बाकी के गांव में 1 किलोमीटर दूर से लाइट लगा हुआ है, हमारे गांव में आज तक लाइट नहीं लगा है। पार्क के अंदर लाइट लगा है पर हमारा गाँव बहुत दूर है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पार्क से, हमारे गाँव में आज तक लाइट नहीं लगी है। और हमने अपने अपने कागज जितना था, हमारे समस्या जितना हमको करने आता था उतना हम पूरे कलेक्टर साहब को दिए थे, श्री मीना सिंह विधायक के पास गए थे और विधायक जी से मिलना चाहते थे, फिर भी उसका पीए ने हमको उससे नहीं मिलने दिया और कागज ले लिया, बोला कि हम आपका समस्या को समाधान कर देंगे। आज तक हमारे समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा है, न विधायक जी कर रहा है न कलेक्टर जी कर रहा है। अब हम श्री हम संगठन ग्राम संगठन हम से आए, हम पूरे हमारे लोग बोले कि आप जाइए और हम आपके सहमत हैं, हमारे पूरे गांव इकट्ठा है और हम संगठन से आए हैं और हमारा आज तक कोई नहीं सुना जा रहा है। तो हम आप सिरे मुख्यमंत्री के नाम से हमने कागज आवेदन पहुंचाना चाहते, मुख्यमंत्री जी ने हमारा यह समस्या का समाधान जरूर से जरूर करें। सबका मिल रहा मैं मांगता हूँ तो कहते तो ही ऊपर मिलेगा,
ऐसा मेरे को बोला था ना। किसने कहा था? सरपंच सेक्रेटरी। पेंशन, पेंशन मिल रही है आपको? नहीं, पेंशन कुछ नहीं, न महीना पैसा वो नहीं पावता, सब लिखा पढ़ा कागज सब पड़ा। जहां तक मुझे जानकारी है इस संदर्भ में मेरे कार्यालय में मेरे सामने मेरे व्यक्तिगत सामने कोई भी आवेदन नहीं आया। डोमेस्टिक लाइन बिछाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नियम शिथिल किए हुए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं इसलिए तार बिछाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास जैसे ही आवेदन आएगा मैं उसकी अनुमति जारी कर दूंगा। मैं विकास कार्यों में कभी भी किसी के भी सहयोग करने के लिए तैयार हूं, और बिजली तो उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। वन विभाग ने रोड़ा लगाया है, ऐसा अगर कोई उनके पास पत्र हो तो हमें दिखाएं ताकि हम उसको भी रिमूवल कर सकें। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रटा रटाया जवाब दे दिया। बात करने पर उन्होंने कहा कि जांच करवा लेते हैं और देखते हैं कि दिक्कत कहां पर हो रही है, बिजली क्यों नहीं पहुंची। बताया कि कठाई पंचायत में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है, तो इसके बारे में जांच करवाते हैं कि क्या कारण है कि वहां लाइट नहीं पहुंच पाई, क्या फंड्स की कमी है या फॉरेस्ट की कोई बाधा है, जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी जानकारी में ग्राम पंचायत को सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त टारगेट और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, और ग्राम पंचायत को सभी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को पहुंचाना सुनिश्चित करना है। पीएम आवास योजना का सर्वे 2011 का हुआ था, जिसे SECC सर्वे कहते हैं, और उसके अधिकांश हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। यदि 2011 के सर्वे में कठई पंचायत के लोग छूट गए थे तो इसको दिखवाते हैं कि किसकी गलती से ऐसा हुआ। जिस क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री मीरा सिंह आती है उसका ही विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या कल्पना की जा सकती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है और आदिवासी लोग कई सालों से इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। उमरिया से राजकुमार गौतम, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम, बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास। शादी समारोह, सगाई, बर्थडे पार्टी, संपूर्ण कैटरिंग व्यवस्था, मनमोहक साज सज्जा के साथ, इंडोर डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग, CCTV से सुरक्षित एरिया। हमारा पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7489288455, 9630118455।